कोरोना के कारण जो हमने छोटा सा प्रोटेस्ट रखा था, पीसफुल प्रोटेस्ट रखा हुआ है। हम IDF के मुलाजिम हैं, हम कुछ हमारे भाई हैं तनख्वाहों से महरूम हैं, फ्रंट लाइन में काम करें कोविड में। तो हमारी गवर्नमेंट साहब से यही अपील है कि जल्द अज जल्द हमारे बारे में सोचा जाए, हमारी कोई पॉलिसी बनाए। ये हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे डेली वेजेस वर्कर जो हैं वो फ्रंट लाइन पर कोविड 19 में काम कर रहे हैं 6 मंथ से फ्रंट लाइन पे, और उसके लिए भी हमें कोई भी रिस्क कवर नहीं दिया जा रहा है। ना हमारा कोई रिस्क अलाउंस है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना कुछ है। इस वक्त भी हम सर पॉजिटिव केस लेके डील कर रहे हैं हर एक जगह से, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से, राजौरी से। और सर इसे हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें जल्दी से जल्द रेगुलाइज किया जाए, और हमारी जो है सैलरी वो ट्रेजरी से दी जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से दी जाए, मिनिमम वेजेस दिए जाएं। और अभी हमें सबसे ये चाहते हैं कि हमें मिनिमम वेजेस हमें दिए जाएं और रेगुलाइज किया जाए। आज हमारा जो प्रोटेस्ट था ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट किया है। ऐसा ना हो हमें रोडों पे उतरना पड़े और गाड़ियां हमें बंद करनी पड़े, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं LG साहब से दोबारा कि आप हमारी तरफ ध्यान दें। पूंछ डिस्ट्रिक्ट के लड़के जो हैं, पसमानदा इलाके, बिछड़े हुए इलाके के लोग हैं, इन लोगों को आप मत ही सोचेंगे, ये बेचारे ऐसे लगे रहेंगे, लेकिन हमारा अब गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि आज लेबर भी जो है वो 500-600 रुपया दिन को कमाती है। हमें अगर 2000 रुपया मंथली मिलता है, उस 2000 से हमारा गुजारा नहीं होता है। मैं इसी इतवा करता हूँ।